यार गौरी को कितना बुरा लग रहा है। कॉलेज में हम ये पूरा भर भर के मारते थे, लेकिन घूम गया सर भाई। लेकिन हम लोग को कॉलेज में लगता था कि हमारी कितनी बढ़िया बॉडी बन गई है। कम ऑन। तो आज हम कर रहे हैं बैक वर्कआउट। बबिन का स्पेशली बैक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है, तो मेरे को वर्कआउट कराएगा आज ये। तो जो भी हम गेस्ट को लाएंगे तो मैं वही वर्कआउट करूंगा जो गेस्ट करा रहा है, क्योंकि अपने वर्कआउट में कंफर्टेबल हूँ। आई वॉन्ट टू गेट इन टू अनकम्फर्टेबल जोन और बहुत सारी बातें करेंगे कि कैसे वर्कआउट को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है। और बॉडी बिल्डिंग स्पेसिफिकली इज अ आर्ट टू इंक्रीज मसल साइज ओनली। बॉडी बिल्डिंग वही होती है। बॉडी बिल्डिंग को एथलेटिक्स से कंपेयर ना करें, एक्सप्लोसिवनेस से कंपेयर ना करें। तो इट्स अ आर्ट हाउ टू इंक्रीज योर मसल साइज एंड लुक गुड। एंड पीपल थिंक इट इज़ अबाउट हैवी लिफ्टिंग, बट ट्रस्ट मी इट इज़ मोर अबाउट इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी आज करेंगे हम। चलो, 20 लाइव में चल रही है बहुत ही धमाकेदार ब्लैक फ्राइडे सेल, जहां पे किसी भी प्रोटीन की परचेज आपको मिलेगा अप टू 30% ऑफ, साथ में एक फ्री क्रिएटिन 499 का, एक फ्री शेकर, एक फ्री सरप्राइज गिफ्ट और एक फ्री PS5। इसको मत गिराइए, मार दूंगा। सर लेट कूल डाउन, वार्म अप हो गया हमारा। सो वी स्टार्ट विद टू वर्किंग सेट, टू या थ्री डिपेंडिंग ऑन वी बिल्ड। पर सेट विल गो मैक्सिमम लाइक 8 टू 12 रेप्स एंड लास्ट वर्किंग सेट विल बी अ ड्रॉप सेट। ठीक है। या यार एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, देखो बाबिन का एंगल क्या बन रहा है अभी। ही इज़ नॉट 90 डिग्री सीधा, ही इज़ ऑलमोस्ट 10-15 डिग्रीज एंगेजिंग इज लैट्स, और दिस इज़ द करेक्ट पोजिशन। और नेगेटिव कितना स्लो कर रहा है ये, सो दैट इज़ हाउ यू एंगेज योर बैक मसल। बहुत लोग झटका मार के करते रहते हैं, उठाते रहते हैं, मतलब ही इज़ अ प्रो बॉडी बिल्डर एंड लुक एट द वेट ही इज़ लिफ्टिंग एंड द स्टाइल इज़ डूइंग। तो इंटेंसिटी पूरी मेंटेन कर रहा है। वंस यू गेट टू अ फेलियर, दो तीन रैप आप खींच रहे हैं बिकॉज आपको वो मसल को लास्ट फेलियर तक ले जाना, बोलेंगे अरे लास्ट के दो रैप में ज़्यादा बेंड हो गया। ये मैं वही बात कर रहा हूँ कि एक आप एक्सपीरियंस से सीखते हैं, एक जो किताब में लिखी बात है वो सीखते हैं। मुझे आई नॉर्मली कि मैं रैप ग्रिप थोड़ा सा क्लोज रखता हूँ। पहले कॉलेज के टाइम में हम लोग काफ़ी वाइड रखते थे। कॉलेज के टाइम में हम लोग को फंडा कहा था। करेक्ट। वहाँ था तो जितना वाइड रखेंगे उतना वाइड बैग बनेगा। पर धीरे धीरे खुद बॉडी की सुनिए कि यार कहाँ आ रहा है, पंप कहाँ पर आ रहा है, फील कहाँ पर आ रहा है। But like keep it a bit shallow, or जैसे गौरव ने बोला negative very slow, उसी में negative is the one where you build the muscle. एक छोटा सा tip है जो मुझे काफ़ी साल बाद पता चला, which is the whenever you doing back, आपको elbow से pull करना है। आपको ऐसे पूरा weight को नहीं नीचे, like not engaging your bicep, pinky finger को use करके elbow के साथ pull करेंगे तो it will come completely on the latch. कॉलेज किया था कि वहाँ पे भी एक स्ट्रैप में चार लोग मारते थे। कॉलेज में पैसे नहीं होते थे, एक प्रोटीन का डब्बा लाते थे, मेरे रूम पे आता था, फिर ये लोग मेरे रूम पे आते थे अपना अपना डब्बा लेके, सबके 40-40 स्कूप होते थे प्रोटीन। ब्लॉन्ड साला ज़्यादा ले, ब्लॉन्ड साला ज़्यादा लेता था, ब्लॉन्ड एक वहाँ पी के भी जाता था अपना साला। मैं बहुत मुश्किल होता इतने हैवी वेट में स्लो नेगेटिव करना। जिम में कभी भी किसी का फोन आया तो बाद में उठाइए, एक्सेप्ट जब बीवी का आ जाए तो उठा लेना चाहिए, तो फिर बॉडी कभी बनेगी नहीं, फिर कभी नहीं बनेगी बॉडी। हाँ भारी है। तो आई हैव अ स्लाइट बाइसेप इंजरी, हो मेरे को इफेक्ट करती है यहाँ पे। ये टेंडन डॉक्टर ने कहा था ये जो अटैच करता है ना बाइसेप को यहाँ पे, उसमें एक इंजरी है मेरे को, इसलिए इफ यू सी माय लेफ्ट आर्म एंड राइट आर्म आर छोटा बड़ा, ये आर्म मेरा बड़ा है, ये आर्म छोटा है। ड्रॉप मारते हैं जब लगता है ज्यादा हो गया, दो रैप बड़े आराम से निकलते हैं,
तीसरे से उसी में फिर फट जाती है। और अच्छा सेट हुआ, गुड पंप। तो सेकेंड एक्सरसाइज हम ले रहे हैं टी बार। कॉलेज में हम ये पूरा भर भर के मारते थे, लेकिन पूरा गलत मारते थे, झटके से मारते थे। सो नाउ द एम इज कि बैक को जितना हो सके स्टेबल रखें। पुल विद योर बैक, पुल विद योर एल्बोज एंड स्क्वीज द बैक। तो इट इज़ अ वेरी गुड मास बिल्डर। जो बैक की थिकनेस आती है आपकी, एक्सरसाइजेज लाइक टी बार रोइंग, डेड लिफ्ट, मेजर थिकनेस देगी आपको। हम चालू करते थे डेड लिफ्ट, हम लोग तो फ्री वेट ही मारते थे। तो हम लोग मतलब वी वर ग्रेट फैंस ऑफ जे कटलर, रोनी कोलमैन, उस एरा के हम लोग हैं। ब्रांच वॉरेन। तो हम लोग तो भाई ऐसी हार्डनेस बनानी, भाई ये लोग इतना वेट मार रहे हैं, अपने को भी उतना वेट मारना है। बट ये नहीं सोचते थे कि वो लोग किस लेवल के और हम लोग किस लेवल के। हम लोग को एक एक साल हुआ बॉडी बिल्डिंग शुरू करे हुए, और वो 15 साल से ओलंपिया लेवल पे कम्पीट कर रहे हैं। एंड यूज टू जस्ट ब्लाइंडली ट्राई टू कॉपी देम। तो जब कुछ सीखा और अब वही सिखाते हैं कि ब्लाइंडली डोंट ट्राई टू कॉपी एनीवन। हो सकता है मतलब अगर वही बात आ गई, मैं अभी क्रिकेट में बच्चा हूँ, लेकिन मैं सोचूँ कि मैं सूर्या की तरह स्कूप मारूंगा तो मैं पहली बॉल पे आउट होके आऊँगा ही आऊँगा। वो सूर्या की प्रैक्टिस होकर अपना गेम बनाया है। तो वही है कि आपकी जब प्रैक्टिस बनेगी, ये सब गेम आपके अपने आप बनेंगे। अपनी बॉडी को जब जिम में सुनेंगे वो क्या कह रही है, कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, इट्स अ एवरी डे जॉब। हम लोगों को जब 5 साल लगा, आप लोग जल्दी मत कीजिए सीखने में। पटकने में बहुत मजा आता है। 1 बहुत बढ़िया, 2, 3, 4, 10। मेरा वर्कआउट स्टाइल थोड़ा चेंज हो गया है। जो मैं पहली एक्सरसाइज करता हूँ, जैसे हमने पुल डाउन मारी, उसमें मैं काफ़ी खींच लेता हूँ। अगर 3-4 सेट भी हो गए खींच लेता हूँ, बॉडी अच्छे से वार्म हो जाता है। फिर कोई भी जो आगे एक्सरसाइज लेता हूँ मैं, आई ट्राई टू डू 2 सेट्स मैक्स। एंड माय टेक्निक और व्हाट आई टेल माय सेल्फ इज, सो मैं अपने आप को एक रिवॉर्ड देता हूँ जब मैं वर्कआउट करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि यार ये है, मुझे पता है इसमें मुझसे 8 रेप लगेंगे, बट आई ट्राई टू गिव माय सेल्फ अ रिवॉर्ड। अगर मैं 10 कर पाऊँगा तो ये मेरा लास्ट सेट होगा। सो द रिवॉर्ड फॉर मी इज़ आई सेव 1 एक्स्ट्रा सेट की यार। तो उस चक्कर में मेरा ये सेट बहुत इफेक्टिव हो जाता है। और फिर 1 गुड इफेक्टिव सेट इज़ बेटर देन 1/2 आवर ऑफ नेक्स्ट वर्कआउट। क्योंकि आप जब ग्रोथ करते हैं, आपकी मैक्स लिमिट है 10 रेप तक जाने की। आप अगर 7वें के बाद तो मसल एक्टिवेट होना चालू होती है। सो इट इज़ लास्ट विच आर्नोल्ड कहता है, इट्स लास्ट 3-4 रेप्स जो मसल बनाते हैं आपकी। तो अगर आप एक भी सेट में वो थ्रेशोल्ड को पार कर गए तो आपका मसल एक्टिवेट हो जाएगा और वो आपका रेस्ट करेंगे तो बिल्ड होगा। सो थोड़ा सा मेरा भी मेंटालिटी रहता है कि ओवरऑल वॉल्यूम को मैंने कम कर दिया, एंड दैट्स हाउ आई ट्राई टू इंक्रीज माई इंटेंसिटी। एक और ट्रिक है जो मैं यूज़ करता हूँ, बताऊँगा अभी आपको मैं। Yep. Come on. Lovely. 1, 2, 3, 4. Come on. अबे कल लेग्स मारा ना तो झुके झुके पूरा ग्लूट्स पे भी आ गया भाई, सर घूम गया। वो जब बहुत हैवी सेट मारते हैं आप, थोड़ा सा लाइट हेडेड लगता है, और इट्स ओके। थोड़ा सा ब्लड शुगर ड्रॉप होता है, बॉडी दोबारा से बनाता है। थर्ड एक्सरसाइज यू आर डूइंग सीटेड रो। इसमें हम थोड़ा ऊपर बैठे हैं और कोशिश करेंगे हाथ को नीचे बेली बटन की तरफ लाएं। इसको दूसरा तरीका करने का है, इफ़ यू वांट टू डू द सेम वर्कआउट। लोग पूछते ऊपर नीचे बैठने में क्या है, अगर मैं नीचे बैठ के इसको इस लेवल पे लाऊंगा, इस लेवल पे, सो माय रोम्बॉइड अपर ट्रैप एंड अपर बैक वर्कआउट हो रहा है। ऊपर बैठ के क्लोज टू द बॉडी यहाँ लाऊंगा तो मेरा लोअर लैट इंगेज होगा, और यहाँ रख के यहाँ रखूँगा। तो मतलब आप देखिए, डोरियन एट्स कहते थे कि अगर आप बार बार रोइंग भी कर रहे हैं, थोड़ा अंदर पकड़े रॉड को, तो अंदर पकड़ के आपको रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा मिल जाती है, ज़्यादा स्ट्रेच होता है। ये अगर मैं बाहर पकड़ूंगा तो रेंज ऑफ मोशन कम हो जाता है और मेरा अपर बैक इंगेज होने लगता है। सिंगल आर्म कर रहे हैं, सिंगल आर्म डबल करें, सिंगल बैक में कभी भी आप देखें, यू हैव टू पुल फ्रॉम योर एल्बो और आपके दो पिंकी फिंगर्स से। क्योंकि इफ यू लुक एट इट,
अगर पुल कर दो, नॉर्मली पुल एनी शू गेट अ पुल ऑन योर बाइसेप, तो आप गलत पुल कर रहे हो. जो आपका एल्बो और पिंकी फिंगर्स हैं, इट इज़ कनेक्टेड लिटरली टू द लैच. अब अगर गाड़ी चलाते हो आप, राइट, अगर आप स्टीयरिंग को इन फिंगर्स के साथ, इफ यू डू दिस यू कैन फील इट, यू फीलिंग इट इन द लैच. बट अगर आप उसको ऐसे करेंगे तो आपको यहाँ से फील होके यहाँ तक आपको यू विल फील इट. दैट्स अ रॉन्ग मूवमेंट. आपको हमेशा एल्बो और इन तीनों फिंगर्स के साथ पुल करना चाहिए. मोस्ट ऑफ द पुलिंग मूवमेंट्स वी डोंट ग्रिप लाइक दिस ऑल्सो, वी ग्रिप लाइक दिस. पुल करते हुए, पुश करते हुए फॉर सेफ्टी वी हैव टू ग्रिप लाइक दिस सो दैट बार डजंट स्लिप. अगर मैं पुल कर रहा हूँ तो मैं ऐसे पकड़ूंगा, अगर मैं पुश कर रहा हूँ तो मैं ऐसे पकड़ूंगा. सो व्हेन आई होल्ड लाइक दिस, ये देखिए थंब में आ गया, तो मेरा ये पूरा एंगेज हो जाता है, ये पूरा एंगेज हो जाता है. लोगों को जब बहुत बार यहाँ पे आता है कि भैया पुल कर रहे हैं लेकिन यहाँ से पुल हो रहा है, सो देन इट्स अ प्रैक्टिस. कुछ लोग ऐसे पुल करते हैं, कुछ ऐसे पुल करते हैं. सो माइन्यूट मूवमेंट्स इन योर जॉइंट्स कैन एंगेज अ लॉट ऑफ डिफरेंट मसल. प्लस हमारा मसल माइंड कनेक्शन भी बनानी है. हम माइंड यार बेस्ट तरीका होता है, क्या होता है, हम शीशे में देख के वर्कआउट करते हैं, मसल दिख रही है, पंप आ रहा है. मेरे सामने अगर कोई शीशे में कोई बंदा आ भी गया ना, मैं अपना शीशा खुद बनाता हूँ, क्लोज माई आइज एंड आई जस्ट इमेजिन द बैक कर रहा हूँ ना, तो टू चंक्स ऑफ मसल्स गेटिंग स्क्वीज एंड एलोंगेटेड. उससे अच्छा इसलिए बहुत मुश्किल होता है बनाना, क्योंकि विजुलाइजेशन बहुत जरूरी होता है. यू कैन सी द बैक, राइट, तो आपका माइंड मसल कनेक्शन, आपका विजुलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे माइंड मसल कनेक्शन बोलना बहुत एक वर्ड है, लेकिन उस ये जो अगर एक्सप्लेन करना कोई बैठ जाए, कोई बुक लिख सकता है इसके ऊपर. चलो तो ये देखो, ये इज पुलिंग क्लोज टू इज बेली बटन, यहाँ पे आ रहा है हाथ. अगर पीछे से दिखाऊँ आपको, ये मसल इंगेज हो रहा है, ये देख रहे हैं, ये इलोंगेट हो रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये बड़ा हुआ छोटा हुआ. सो इफ़ यू सी माई टू फिंगर्स, मैंने मसल के दो एंड पे लगा रखी है, देखिए अपने आप फिंगर बड़ी हुई छोटी हुई. सो द होल पॉइंट ऑफ बॉडी बिल्डिंग इज यू हैव टू कॉन्ट्रैक्ट द मसल ओवर अ रेजिस्टेंस. जितना रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा आपकी मसल का, मसल को उतना स्ट्रांग होना पड़ेगा उस लोड को ओवरकम करने के लिए, एंड दैट इज़ व्हाट वी कॉल हाइपरट्रॉफी. और हाइपरट्रॉफी बॉडी बिल्डिंग है. थंब देखो, उसका थंब बाहर रखा हुआ उसने, उसने ऐसे नहीं पकड़ा, उसने ऐसे पकड़ा हुआ, तो बहुत इफेक्टिव हो जाती है एक्सरसाइज. हम लोग जब कॉलेज में करते थे, वीडियो भी है इन पर, है वीडियो, पाँच पाँच छः प्लेट लगा के पेले जा रहे. बट अगर आपको मसल बनाना है, यू टू लीव द ईगो आउटसाइड एंड कम एंड स्टिमुलेट द मसल. रिमेंबर यू वॉन्ट टू, जब कपड़े पहनोगे ना, लोगों को दिख के लगना चाहिए कि हाँ यू आर ए पावर लिफ्टर, बट नॉट नेसेसरीली यू वॉन्ट टू लिफ्ट लाइक ए पावर लिफ्टर. लेकिन हम लोग को कॉलेज में लगता था कि हमारी कितनी बढ़िया बॉडी बन गई है. क्योंकि 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 बाकी लोगों को लगता था कि इनकी बहुत है, क्योंकि बाकी लोग का बिल्कुल नहीं था. तो रिलेटिव बॉडी बिल्डिंग इज रिलेटिव. यू आर बिगेस्ट इन योर जिम, बट वन डे समवन बिगर विल वॉक इन एंड देन यू विल फील फक. मैं कुछ नहीं, देयर इज ऑलवेज समवन बिगर और मोर लीन एंड स्ट्रेटर देन यू ऑलवेज, अनलेस यू आर रॉनी कोलमैन. तो मैं जे कटलर का फैन था और तनेजा रॉनी कटलर, रॉनी कोलमैन का फैन था. तो 2006 में जे कटलर वॉन द मिस्टर ओलंपिया. मुझे अभी भी याद है, समर के वेकेशन में मैं गया था अपने घर आसाम में, तो ओलंपिया हुआ, तब इंटरनेट नहीं हुआ करता था, तो कैफे में जाके मैं चेक कर रहा था मिस्टर ओलंपिया कौन जीता. जैसे जे कटलर जीता, मैंने इसको मैसेज किया कि जे वॉन. ये बोलता यार रोनी, ये मेरे को मैसेज करता है कि यार रोनी को कितना बुरा लग रहा है. चलो, ट्राइंग टू पुल विद द राइट फॉर्म विच इज़ वेरी गुड. एक्चुअली मेरा भी क्या रूटीन चला, आई डोंट ईट इन द मॉर्निंग. माई फर्स्ट मील आई टेक अराउंड 12:31. तो जब भाई भवन आया तो थोड़े से ब्लैक बीन्स थे वो खाए, कॉफ़ी मारी, कॉफ़ी मारी, चलो एक और चीज़ मतलब मैंने नोटिस किया है, वो लाइक टू टेल पीपल कि जब लोग बैक का एक्सटेंशन मारते हैं ना, तो सीटेड ड्रॉइंग में भी जब मारते हैं तो दे थिंक जितना आगे जाएंगे उतना एक्सटेंशन मिलेगा. नहीं, दिस इज योर लैट एक्सटेंड हो गई यहाँ पे. ये जो मोमेंट है, ये रियर डेल्ट और रोमबॉइड का एक्सटेंशन है. तो बेसिकली आप बैठे हुए हैं, बैठने में
देखो लॉट ऑफ पीपल से यार फ्री वेट्स अच्छे हैं कि मशीन्स अच्छी हैं, एंड यू विल सी हियर लॉट ऑफ पीपल सेइंग फ्री वेट्स आर बेटर, बट यार आई हैव दिस थिंग कि मशीन्स आर ऑल्सो गुड एंड समटाइम्स दे आर बेटर बिकॉज दे रिस्ट्रिक्ट योर चीटिंग मूवमेंट. अब ये पैड लगा हुआ है, आप चीट कर ही नहीं सकते इसमें, यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट, तो आपका वेट कम हो जाएगा. जब आप बार बार रोइंग मारेंगे हो सकता है आप चीट कर लें, तीन बार में आप चीट कर लें, बट यहाँ पे आपने मारा एक्सटेंशन हो गया आपका, और आप झटका भी बहुत मुश्किल से, मतलब उसमें कि आपको बहुत कैली बोलते हैं, कैली चाहिए होता है चीटिंग करने के लिए. सो ये हमारा ऑलमोस्ट सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज है, लोडिंग बिहाइंड द नेक पुल डाउन. बहुत लोग बोलते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, बैंड हो चुका है, बट इसमें क्या है कि आपकी शोल्डर की जो जॉइंट है उसको अगर आप एक अनकंफर्टेबल पोजीशन में ले जाएंगे, बहुत लोग अगर आपका यहाँ पे टच हो गया बाद दैट इज़ अ गुड पोजीशन टू एंड योर रैप, और अगर आप इसको यहाँ तक ले जाएंगे तो शोल्डर एल्बो दिस ऑल गेट इनटू अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, मतलब उनका रेंज ऑफ मूवमेंट वहाँ तक जाने के लिए बना ही नहीं है. सो दैट इज़ वाई सम पीपल रिकमेंडेड कि नहीं करो, बट इट्स अ गुड एक्सरसाइज अपर बैक ट्रेन करने के लिए. प्लस जब हम लोग बॉडी बिल्डिंग करते थे भाई तब इतना वो चोचले नहीं थे, आजकल बहुत ज़्यादा हो गया कि ये नहीं करना, ये एक्सरसाइज बैंड है, वो बैंड है, इसको ऐसे नहीं करना. मतलब जब आप जिम जाएंगे और ख़ुद करेंगे तो खुद समझ में आ जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन जब तक आप जिम ही नहीं जाएंगे और लोगों को बड़ा इंटरेस्ट है कि मैं नॉलेज गेन कर लूँ, भाई बता रहा हूँ आफ्टर 5 or 10 मोर ईयर्स एवरीबडी विल गो बैक टू ओल्ड एरा 70s 80s. बॉडी बिल्डिंग का गोल्डन एरा था 70s 80s, जहाँ पे लोग हसल करते थे खाली, सप्लीमेंट्स पे भी कम ध्यान था, डाइट पे, गुड फूड पे ज़्यादा ध्यान था और अपने हार्डवर्क पे ज़्यादा ध्यान था. तभी वो डोरियन कहता है, और कहता है आई डोंट सी ग्रेनीनेस दिस डेज, क्योंकि लोगों के पास इतना ही ज़्यादा, हर दिन नया सप्लीमेंट आ रहा है, हर लोग नई नई चीज़ें निकाल रहे हैं, ये नया वर्कआउट आ गया है, अभी रिसर्च कहती है कि बायोमैकेनिक्स कहती है ये नहीं करना वो नहीं करना. यार सक्सेस मेहनत से मिलती है, सही बात है. चाहे कुछ भी कर लो, आजकल रिसर्च पेपर्स चाहिए, ये एंगल सही है, वो एंगल सही है, एंगल में बड़ी बात होती है, विच इज़ गुड, विच इज़ गुड. आई मीन वी आर इवॉल्विंग बट रूट शुड बी देयर, विच इज लाइक बॉल्स टू द वॉल बोलते हैं ना, बॉल्स टू द वॉल्स हैव टू बी देयर. इसके अलावा आप कितना भी एंगल कर लो, 10 किलो के वेट से आप ये एंगल कर लो वो कर लो, उससे कुछ नहीं होगा, मैकेनिकल लोडिंग होना ही पड़ेगा, यू टू नीड टू पुश डिसेंट अमाउंट ऑफ वेट, उसके बाद आप एंगल की बात करो. क्योंकि जो एकदम एथलीट प्रोफेशनल लेवल पे होते हैं ना, मतलब बहुत हाई लेवल पे, उनको वो थोड़ा सा एज चाहिए होता है टू गो पास देयर देयर ऑलरेडी एलाइट लेवल. आप जब स्टार्ट कर रहे उस समय पे आपको वो सब की ज़रूरत नहीं है, है ना. मैं एंगल की एक बड़ी अच्छी बात दिख रही है, बताऊँगा आपको मैं लेग एक्सटेंशन पे, बट एक रैप ले लूँ पहले मैं. एंड द बेस्ट लाइक हाउ आई मेक माई मसल माइंड कनेक्शन, मैंने कहा एक बीच चीज़ बताऊँगा मैं. तो वेन आई डू दिस एक्सरसाइज आई इमेजिन कि आई एम ऑन स्टेज, पीछे जजेस बैठे हैं, जनता बैठी है, एंड आई एम डूइंग दिस एंड होल्डिंग द पोज फॉर 2 seconds फॉर देम, होल्ड द पोज. तो उससे बहुत अच्छा मसल माइंड बनता है आपका, क्योंकि यार पोजिंग से अच्छी कोई एक्सरसाइज नहीं होती. कम ऑन, चीज़ बताता हूँ आपको मैं जो मैंने शायद कभी बताई नहीं, और इस डर से नहीं बताई कि लोग समझेंगे कि आई एम क्रेजी इनफ और मैं पागल हूँ, या फिर मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा ओवर क्रेजी हूँ. बट व्हेन इफ़ यू हैव टू अचीव समथिंग यू हैव टू बी ओवर क्रेजी, पीपल विल क्रिटिसाइज यू फॉर दैट, एंड दैट्स वाई सम पीपल डोंट शेयर दीज टेक्निक्स. तो जब मैं कम्पीट करता था, अब मुझे पता है कि यार मुझे सिर्फ उस बंदे का चेहरा दिखता था वर्कआउट करते हुए जो करंट चैम्पियन है, एंड माई इंटायर एम वॉज कि अब मुझे उसको हराना, मुझे नंबर वन बनना है. सो पता नहीं बोलते हुए कैसा लगेगा ये, बट इफ़ आई एम एबल टू डू 10 reps एंड मुझे 12 reps करने ही करना, बिकॉज दैट्स व्हेन ग्रोथ हैपेंस. तो आई टू थिंक इन माई माइंड कि यार समथिंग वेरी बैड विल हैपन टू मी, और आई लूज समथिंग इफ़ आई डोंट डू 12 reps. लेट्स से कि आई लूज समथिंग वेरी डियर टू मी इफ आई डोंट डू 12 reps. सो दैट फियर इन मी कि भाई सब कुछ देना है इस रैप में, सब कुछ देना है, तो मेरे 12 reps आते हैं. सो नाउ व्हेन आई एम वर्किंग ऑन दिस बीस्ट लाइफ कंपनी, आई रिमेंबर आई समटाइम्स आई एम डूइंग, मुझे 12 reps करने हैं, मैं से 10 ही हो पा रहे, 10 में गिव अप आ गया मैं, अगर नॉर्मली मैं नहीं कर पाता, देन आई थिंक इफ आई डोंट डू 12 reps बीस्ट लाइफ विल नॉट वर्क, बिकॉज अब तो मेरी जिंदगी है वो, बीस्ट लाइफ इज माई लाइफ, माई को फाउंडर्स लाइफ.
सो अब चाहे जो भी हो, एंड सरप्राइजिंगली जब आप इतना अपने ऊपर वैसा सोचेंगे ना, इट्स ऑल द पावर इज इन द माइंड। जब मैं सोचता हूँ कि यार इफ आई डोंट डू 12 20 लाइफ विल फेल, भाई वो 12 रैप निकलेगा ही निकलेगा। दैट ऑल्सो मीन्स व्हेन वंस इफ यू स्टॉप एट 10, देयर वॉज रिजर्व एनर्जी इन योर बॉडी विच यू आर नॉट यूजिंग। तो जब तक वो रिजर्व रहेगा भाई, ग्रोथ नहीं मिलेगी। इसका मतलब आप माइंड से वीक हो, बॉडी से वीक नहीं हो। और बॉडी बिल्डिंग इज ऑल अबाउट माइंड से स्ट्रांग होना। एंड इट इज़ नॉट अबाउट बॉडी बिल्डिंग भाई, हर एक फील्ड में आपको कुछ स्टार्टअप करना है, जॉब करना है, बिजनेस करना है, माइंड से जो बंदा स्ट्रांग, आपको स्पोर्ट्स खेलना है, कुछ भी खेलना, आप बैटिंग करने और रन बनाने जा रहे हो भाई, मेंटल गेम होता है पूरी। मैंने चेन्नई तक साइकिल चलाई भाई, मेंटल गेम था पूरा, फिजिकल गेम नहीं है लाइफ, लाइफ मेंटल गेम है भाई। बोलते हैं हम लोग ट्रेन टू फेलियर, द माइंड फेल्स फर्स्ट एंड देन द बॉडी फेल्स। यस, मेरे थम्स टच भी नहीं कर रहे बिकॉज आई एम, और सबसे ज्यादा हार्ड मैं पिंकी से बोल कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एटलीस्ट फॉर द मेंस फिजिक कंपटीटर्स, जो मेंस फिजिक्स में कम्पीट करना चाहते हैं, ट्राई टू अवॉइड द मूवमेंट्स विच विल इंक्रीज द साइज ऑफ योर कोर। जैसे डेडलिफ्ट पूरा नीचे से जो आप नॉर्मली ट्रेडिशनल डेडलिफ्ट मारते हो, देयर इज अ हाई लाइकली दैट योर कोर विल इंक्रीज सिंपली बिकॉज यू विल, आप अपने कोर को बहुत ज़्यादा एंगेज करोगे। तो एक चीज़ जो मैंने अभी इंप्लीमेंट किया है, विच आई स्टार्टेड टू डू आफ्टर मेरा प्रो कार्ड जीतने के बाद, आई मेट टाइलर मैनियम इज द प्रेसिडेंट, आई थिंक वाइस प्रेसिडेंट जो भी है, सो यू टोल्ड मी दैट यू नीड टू कंट्रोल योर कोर। तो जब आप बैक पुल करते हैं, आप अपने कोर को वैकम करके रखिए या सकिन करके रखिए एंड ट्राई टू डू द मूवमेंट, यू विल फील अ डिफरेंट लेवल ऑफ इन द लैट्स। आप देखोगे नॉर्मली आप जब ऐसे करते हो राइट, कुछ भी बैक का मूवमेंट करते हो, यू विल एंगेज योर कोर, यू सक इट इन एंड ट्राई टू डू सम पुल मूवमेंट्स, यू विल आइसोलेट इट कम्प्लीटली टू द कोर। तो अभी इसके लिए भी इसलिए डेडलिफ्ट में मैंने फुल रेंज ऑफ मोशन माना बंद कर दिया है। सो आई जस्ट डू लाइक, सो नॉर्मली लो पूरा नहीं जाता हूँ, लाइक मतलब ग्राउंड तक आई डोंट डू द फुल रेंज ऑफ मोशन, थोड़ा ऊपर से ही ले लेता हूँ। सो उसमें आई स्टिल गेट माई बैक मूवमेंट जो मुझे ज़रूरत है एंड आई अवॉइड डूइंग द एंगेजिंग माई कोर। तो ट्राई करना बैक हम सकिंग करके करता हूँ। दिस इज वेरी गुड। मैं भी मतलब पूरा नीचे नहीं जाता, मतलब देवरी इसलिए कम करता है डेडलिफ्ट क्योंकि अभी फिजिक में कम्पीट करता है और मैं इंजरी लीग में कम्पीट करता हूँ, तो मैं भी कम ही करता हूँ अब, क्योंकि मेरे को डर लगता है कि यार इससे कहीं मामला ख़राब ना हो जाए। बट मैं वो वैक्यूम वाला चीज़ मेरे लिए नया था, इट्स समथिंग आई लर्न न्यू, तो मैं ट्राई करता हूँ करने का। एक काम करेगा, ये सामने खड़ा हूँ, बैक का आर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, बैक राउंड नहीं होनी चाहिए, ऑलवेज न्यूट्रल स्पाइन हमेशा बैक को इंगेज करेगी, जहाँ न्यूट्रलिटी हटी लोअर बैक जाएगी आपके। एंड आई सी सो मेनी पीपल डूइंग इट रॉन्ग व्हेन दे आर डूइंग लाइट वेट, फॉर्म बिल्कुल ठीक होता है, जैसे ही हैवी जाते हैं फॉर्म अपने आप ख़राब होता है। तो आपको कहाँ रुकना है, जहाँ फॉर्म ख़राब हो रहा है भाई वहाँ रुक जाओ। तो आपने अगर हैवी उठाया, 5 रेप मारे, छठे में राउंड हो रहा है, टाइम टू लीव। ज़्यादा ऊपर जाओगे भाई, आप सकिन करके मारिए बैकम को, यू विल ट्राई टू कीप योर पोजीशन नेचुरली इन द राइट वे। मैं पूरा नीचे इसलिए भी नहीं जाता क्योंकि पूरा नीचे से फिर ज़्यादा ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग बहुत एंगेज होती हैं। सो माय एम इज़ नॉट टू बी कली किया, तो आई ट्राई टू टारगेट माय ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग ऑन लेग डे पे कल कर लिया, दोबारा वहाँ जाके क्या फ़ायदा। मतलब जब टी बार भी मार रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ इंगेज हो रहा है। कॉलेज में ये तो 3 प्लेटें हैं, हम 4 प्लेट आंख बंद करके मारते थे। मतलब 4 प्लेट जिस दिन नहीं की उस दिन तो घर जाना ही नहीं है। कोई मैस का खाना खा के भाई, मैस की पानी वाली दाल और रोटी खा के बस, और खाली प्रोटीन पी जाते, वही जिन शरीर में एक्स्ट्रा जाता था वही प्रोटीन पीने वाला। कम ऑन, 4 5 6 7
घूम गया सर भाई। एक्चुअली जब सर घूमता है डजंट मीन कि आपकी मसल में एनर्जी कम है, जस्ट मीन्स कि ब्रेन को शुगर नहीं मिल रही, इट इज़ जस्ट दैट प्रॉब्लम। बट बहुत लोगों को लगता है कि अगर चक्कर आ रहा है तो शायद आप कमज़ोर हो रहे हैं, दे विल स्टार्ट ईटिंग। बहुत लोग प्री वर्कआउट में बहुत हैवी खा के आते हैं कि फीलिंग दे विल फील स्ट्रॉन्गर। कमज़ोर लग रहा है तो थोड़ा सा आप कुछ स्वीट खा सकते हैं, जैसे डेट्स खा ली, बनाना खा ली, क्विक शुगर इन द ब्लड स्ट्रीम। मसल में जो ग्लाइकोजन स्टोर है वो एक मील को स्टोर होने के लिए 12 घंटे लगते हैं। सो ये मिथ है कि आप प्री वर्कआउट में स्वीट पोटैटो या चावल खा के आएंगे उससे एनर्जी आएगी। इट इज़ जस्ट द शुगर इन द ब्लड स्ट्रीम, जो ब्लड शुगर डॉक्टर मेजर करता है वो ब्रेन के पास कम पहुँचती है। प्लस आप इतना वर्कआउट कर रहे हैं तो डिप्लीट बहुत जल्दी होती है, वो भी रीज़न है। यू डू अ वर्कआउट यू विल फील लाइट हेडेड, यू सिट डाउन फॉर 2 मिनट्स यू विल बी फाइन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस बैक ट्रेनिंग सेशन एपिसोड 1 ट्रेन एंड टॉक। मज़ा है वर्कआउट करने में, कैसा एक्सपीरियंस है भाई? बहुत दिनों बाद चक्कर आ रहे हैं। हाँ चक्कर आ रहे हैं क्योंकि थोड़ा तो बुढ़ापा आ रहा है, थोड़ी डाइट भी कम चल रही है एंड हैवी ड्यूटी वर्कआउट हुआ आज। मशीन्स भी थी और फ्री वेट्स भी थे, काफ़ी अच्छा वर्कआउट हुआ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको पसंद है वीडियो लाइक हिट करें एंड अपना प्यार ऐसे ही देते रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, विल ट्राई टू डू समथिंग एल्स विद सम न्यू गेस्ट। अंटिल देन सी यू, बाय, टेक केयर।